नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो दुर्गा की। क्या है ना, सीरियल दुर्गा की कहानी में दुर्गा की माँ एक रहस्य बनकर रह गई है, एक राज बन गई है, जिसके खुलने का बहुत बेसब्री से दर्शकों को इंतजार है। तो वही घर के बाकी लोगों को भी इस रहस्य को जानने की बेसब्री हो रही है। ऐसे में माधव और अभिनव दोनों कुछ ऐसा राज पता लगाने वाले हैं जो कि दुर्गा की माँ से जुड़ा होने वाला है। क्या कुछ होने वाला है, चलिए इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो जरूर से जान पाएंगे। मगर उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल टेलीबीप्स पर नए हैं तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या होने वाला है ना कि सीरियल दुर्गा में अब जहां एक तरफ दुर्गा ने अपने कॉलेज की पढ़ाई का पहला दिन शुरू किया है, बहुत अच्छे से उसका फर्स्ट डे गया, अनुराग ने उसका बहुत अच्छे से साथ भी दिया, लेकिन कहानी में अब जबरदस्त ट्विस्ट आ रहा है। ट्विस्ट ये आ रहा है कि हमारे प्यारी सी दुर्गा अब अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ ढूंढना भी चाहती है, और अब उसने इस पूरे घर में अपनी माँ के जिंदा होने की बात भी कह दी है। और माधव अब खड़ा हो चुका है अपनी माँ यानी पानी बाई और अपने बड़े भाई साहब यानी विक्रम के खिलाफ, और उनकी किसी भी बात में नहीं है उसकी रजामंदी और सहमति, वो दे रहा है दुर्गा का साथ। और जब से दुर्गा ने अपनी माँ के जिंदा होने की बात कही है और कैद में और गायब होने की बात कही है, तब से माधव विक्रम और पानी बाई पर अपनी नजर बनाए हुए है। और ऐसे में अब माधव और अनुभव, माधव जो है अनुभव को अपने साथ लेकर करने वाला है विक्रम का पीछा, जहां पर वो जाएगा उस रहस्यमय जगह पर जहां पर उसने सालों से कैद करके रखा है दुर्गा की माँ को। और अब माधव और अनुभव को पता चल जाने वाला है कि विक्रम ने कई सालों से दुर्गा की माँ को कौन सी जगह पर कैद करके रखा है, और अब जल्द ही माधव और अनुभव मिलकर दुर्गा को उसकी माँ से मिलवाने वाले हैं। कैसी लगी आपको ये वाली अपडेट, कमेंट करके जरूर बताइएगा।